हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परिणय रियल ब्लॉग में आपका स्वागत है। एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और मतलब हो गए 4:30 का टाइम है और डेट है आज 12 जनवरी और दिन है बृहस्पतिवार। कि कल भी मैंने व्लॉग शूट किया था एंड वो चला देख लिया होगा आप लोगों ने। तो फ्रेंड्स आज मेरे पता है मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी। आज मैं सुबह से काम ही कर रही थी। मतलब ऐसा था कि मेरे भाई बहन गए हैं मामा जी के साथ सुबह मॉर्निंग में, उन्हें कहीं मतलब कहीं घूमने गए हैं वो लोग। तो मेरे भी कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो रहे थे, बहुत ज़्यादा वाले कपड़े, क्योंकि मेरी कुछ समय से तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने कपड़े नहीं धोए थे, तो इतने सारे इकट्ठे हो रहे थे। तो मैं तो सुबह से फिर मैंने सोचा कि भाई बहन चले गए हैं एंड फिर मैं क्या करूँगी अकेली, और फिर मैंने कपड़े ही धोने लगे। तो अब मतलब ख़त्म हो गए कपड़े, यहाँ पायदान डले हुए हैं एंड उसके बाद मैं नहाई थी, नहा कर जो उतारे कपड़े वो हैं वो बाद में धोऊंगी। पायदान निकल जाएंगे ना दोबारा से पानी भरने के बाद, दोबारा वॉश करूंगी और सारे कपड़े ऊपर डाल आई मैं। तो सुबह से मैं कपड़े धोने में लगी हुई हूँ। और ओजस परिणिया सब लोग घर पर हैं बट मेरी बहन घर पर नहीं है ना। मतलब कल पूरे दिन अच्छा रहा, परसों भी क्योंकि वो घर थी, और आज वो मॉर्निंग से ही घूमने चले गए अपनी बहन को छोड़कर, दोनों भाई बहन। तो मन नहीं लग रहा था मेरा, तो बस यही है मैंने सोचा कि बिजी रहने के लिए कि कपड़े भी धुल जाएंगे और मेरा काम भी हो जाएगा। अब इवनिंग का टाइम है एंड 4:30 का टाइम हो गया। तो मैं बनाने जा रही थी चाय, तो चलो जी चाय बना लेते हैं क्योंकि मम्मी को भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो उन्हें बहुत नीड हो रही है चाय की और मैं भी काम में लग रही थी तो इसलिए लेट हो गई। मतलब 4 बजे चाय बन जाती है। और चलो जी चाय बना लेते हैं फ्रेंड्स। और मैंने पता है वो मेकअप वीडियो जाएगी वो देख लेना आप लोग। और मैंने ना मतलब कली का मेकअप किया था ना, सबने इतना प्यार दिया और सब कह रहे थे कि रेनू जैसी लग रही है मेरी तरह, मतलब कि तू अपनी बहन की तरह लगती है, उससे बोलते हैं सब लोग। और वाकई यार मैं मतलब मेरी तरह लगती है वो। मतलब होता ना जैसे कहते बहन बहन है तो बिल्कुल कोई भी बता देगा देख करके, हाँ वाकई मेरी बहन बहन है। वो अच्छी लग रही थी और अभी वो शायद आने वाले होंगे कुछ देर में, तो मैं चाय बना लेती हूँ। इतने आज दोपहर के खाने में मैंने वही बनाए थे आज, मतलब पुलाव बनाया था चावलों का, और रात को अब देखते हैं। फिलहाल मैं चाय बना लेती हूँ। चलो जी चलो चाय बनाते हैं। आज मेरी बड़ी बिंदी का मन था तो मैंने बड़ी बिंदी चिपका ली। चलो चाय बनाते हैं, पानी ले लेते हैं पहले। आने वाले होंगे वो लोग भी, वैसे मैं फोन करती हूँ पता लग जाएगी फिर कितनी देर में आ रहे हैं। अदरक ले लेती हूँ। बाल एकदम रूखे रूखे हो जाते हैं यार, मतलब खोलने का दिल नहीं करता, और गर्म कपड़े होते तो उनसे ज्यादा चिपकते हैं बाल खोलते वक्त। तो यार मैंने ऐसे बन बना लिया और ऊपर से मैं काम कर रही थी तो यही ठीक है। चलो जी अदरक कूट लेते हैं, शाम को देखते हैं। अभी तो पता नहीं वो लोग घूम कर आएंगे, और अगर इसके पापा का मन हुआ वाला मेरे हस्बैंड का मन हुआ कहीं जाने का देखते हैं। आज वैसे हम मूवी का प्लान कर रहे थे कि सब लोग मूवी देखने चलेंगे, रात को प्लान कर रहे थे। अब हुआ क्या, उन्हें सडनली कहीं अच्छा मतलब जाना था मामा जी को लेकर घुमाने, मतलब कहीं ले जाना था बच्चों को, तो वो लेकर चले गए। चलो फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। ऊपर चलने आ जा, मैं ऊपर जा रही हूँ। ऊपर कली कैसा रहा आज का दिन? मेरा मन ना लगा, मैं कपड़ों में लगी हुई, देखो कपड़े सूख रहे थे सारे, बस कपड़ों में लगी रही और काम करती हुई घर का। कैसा रहा आज का दिन? बहुत बेकार निकला। यहाँ पर ठीक था। हाँ अच्छा, एक क्लिक फोटो। मैं परिणिया ने दिखाई ना परिणिया।
हेलो यार, कुआ पूजन हो रहा है, एक वो देख रहे हैं हम छत पे से। तो कई लोग गाने की आवाज आ रही है। जान तदा जाने मन तन प्यार करता हूँ, मेरी जिंदगी में आके मेरे दिल का चैन चुराया, मर मर की मूरत मैंने देख कर लड़खाया, मन पल 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 यार तेरी तड़पा बस है। मन्नो ये सुखाई मैंने धोई, झाड़ू बड़ी गंदी सी हो गई वो। ओए मन्नो ऊपर गंदी हो जाएगी, रख दे अन्नो। वो पानी में धोई एकदम साफ सुथरी हो जाती ना झाड़ू। फिर सूख गए अब तो ना, अभी गीले होंगे थोड़े बहुत, पर ना छत पे मत कर। कर सारे कपड़े, मतलब कुछ कुछ सूखे होंगे वो अलग कर लूंगी और ये अलग कर लूंगी। अरे रहने दे छत पे ना कर, गीली हो जाएगी। बननी है हमारे घर कड़ी शाम के खाने में, वहां बन रहा है दूध। चलो दूध की गैस कर देते हैं स्लो, और मम्मी बना रही हैं कड़ी, और मैं यहाँ प्याज काट लेती हूँ क्योंकि पकौड़ी के लिए चाहिए। चलो चलते हैं अंदर, रात हो गई है काफी। कपड़े ये रहे क्योंकि बारिश आ गई थी ना, तो सारे कपड़े अभी ऐसे रखे हैं, गीले हैं ना, सारे फैलाऊंगी। कली वो रही, कली लहसुन छील रही है और उसकी बहन काटेगी प्याज, तो दोनों बहन बहन काम करेंगे। ये रहा भाई, या ओ जसीरा, परिण्या ओरी डांस कर रही है। परिण्या काम कर रहा है। हाँ अच्छा, इसने वो लगा रखी है इसकी। हाँ और वो मैंने दूसरे रिमोट से कम कर रखी है ना आवाज, इसलिए। मेरा भाई ये काट लेते हैं। डांस कर रही है यहाँ पर। खाना बन गया है, कड़ी बन गई है, कड़ी पलट कर रख दी मैंने, और यहाँ बर्तन देखो, बर्तनों का ढेर लगा हुआ। सबने खाना खा लिया, अभी मैं खाना खाना बाकी है, मेरी रोटियाँ ये रही। कड़ी यहाँ पे अभी ऐसी रख दी क्योंकि पहले मैं चाय बना कर दे देती हूँ, क्योंकि गेस्ट आए हुए हैं कुछ और खाना वगैरह हो गया सबका। मम्मी के लाई हुई है रबड़ी, क्योंकि मम्मी का ना बहुत ज़्यादा खांसी की प्रॉब्लम हो रही है, तो किसी ने सजेशन दिया था कि रबड़ी खिलाओ, शायद सही हो जाए। और यहाँ पर है काली मिर्च जो मुझे कूट के इसमें डालनी है, तो ऐसे ही बताया किसी ने, तो वो करने वाले हैं। और रसोई का हाल कुछ ऐसा है, बस बस काम कर रही हूँ मैं, चाय भी उबल रही है, बस उबल जाएगी जल्दी से। दो तीन कप चाय है, मतलब मेरा तो ये है जब भी चाय बनेगी तो मैं जरूर लेने वाली हूँ, एंड दो कप नीचे जाएगी। सब लोग हैं अंदर है, सब लोग खेल रहे हैं। चलो मैं बस किचन का पूरी साफ सफाई कर देती हूँ, अभी आटे में हाथ धो रहे हैं मेरे।